तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, इसमें क्या कह रहे हैं। तो अगर तुम देखोगे, एक वायर है जिसके पास मास इतना है, मास दिया हुआ है 0.3 और प्लस माइनस 0.003 ग्राम, ठीक ना। और उसका रेडियस भी दिया हुआ है, इतना रेडियस है और इतना लेंथ है और इतना मास है। तो कहता है मैक्सिमम परसेंटेज डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर देखो, कोई वायर है, एक रॉड टाइप है, दिस इज द रॉड टाइप। तो अगर ये रॉड टाइप है तो उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो इसका मास इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो हमें मैक्सिमम पर वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई एल स्क्वायर एल रो लिख सकते हो, दैट इज मास एम। तो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ मास एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल, दैट इज रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे परसेंटेज एरर इसमें निकालना है रो में, तो डेल्टा रो अपन रो और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, बराबर होगा डेल्टा एम अपन एम मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपन आर मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, प्लस डेल्टा एल अपन एल मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। तो ये सारी वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, तो सबसे पहले डेल्टा एम, अब्सोल्यूट एरर इन मास कितना भाई, 0.003, और एक्चुअल मास 0.3 था, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैं 100 से, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना, 0.05, और डिवाइड कर दूं आर से तो 0.5, और प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना भाई, डेल्टा 0.06 और डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। ये तो अगर तुम यहाँ से देखोगे, यहाँ पे तो सबसे पहले ये पॉइंट, ये देखो, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1%, ठीक है। प्लस ये पॉइंट से पॉइंट, अगर 100 से यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2%, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1%, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद। तो कुल मिला के 4% का परसेंटेज एरर आ जाएगा डेंसिटी में। दैट इज, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।